अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ ज़फ़र खान। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे लौकी और चने की दाल। बहुत ही प्यारी यूनिक सी रेसिपी है। रहेंगे आप हमारे साथ। तो सबसे पहले हमने शुरू किया है जी कुकिंग ऑयल शामिल किया है 2 टेबलस्पून खाने का, और उसके बाद हमने एक बड़ी प्याज को हमने फाइन चॉप करके आप शामिल किया। उसके बाद हमने इसमें शामिल किया है जी 1 छोटी चम्मच लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा करना है आपने इसको भूनना है अच्छे तरीके से, और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे हसबी मामूल टमाटर को। धीमी आंच करके आपने इसमें जो मसाला जाते हैं वही शामिल करना है। तो सबसे पहले हम इसमें शामिल करते हैं सुरख मिर्च 1/4 चम्मच। उसके बाद हमने नमक हसबिज़ाम मामूल आपने शामिल करना है या 1/4 चम्मच आप शामिल कर दें। उसके बाद हल्दी पाउडर हमने शामिल किया। उसके बाद हमने इसमें शामिल कर दिया पीसी हुई धनिया और सफ़ेद ज़ीरा 1/4 चम्मच, और कश्मीरी मिर्च हमने 1/2 चम्मच शामिल किए। उसके बाद हमने इसमें शामिल कर दिया जी लौकी को। बस आपने इसको अच्छे तरीके से इसको भूनना है, और उसके बाद हम मज़ीद आपको बताते हैं। पाँच मिनट के लिए आपने इसको, या 10 मिनट के लिए आप इसको हल्के आँच पे आप रख दें, ताकि आपकी जो लौकी है वो अच्छी तरीके से गल जाए। दाल जो थी वो हमने पहले ही उसको उबाल दिया था, तो दोस्तों दाल जो थी हमारी 250 ग्राम के करीब थी, हमने उसको शामिल कर दिया। इसको भी इसी तरह आपने अच्छे तरीके से भूनना है, बिल्कुल धीमी आंच पे आपने बनाना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखना, नहीं तो दाल आपकी जल वेजीज आपको जलेगी नीचे से। तो वेलकम बैक दोस्तों। तो 5 मिनट के लिए हमने इसको दम पे लगाया था। अब हमने जो दाल जिस पानी में हमने बॉयल की थी वही हमने इसमें शामिल कर दी है। बस इतना पानी आपने हिसाब का रखना, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना। तो दोस्तों, अब हमारी जो दाल है वो बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हो गई है। हम इसको अब डिश आउट करेंगे। आपका देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखना। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपका देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।